हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक BTS आर्मी हैं तो आप BTS के फैन फिक्शन को देखते ही होंगे। साथ ही साथ आपने वॉटपैड ऐप के बारे में भी सुना ही होगा, जहां पर काफी सारे आर्टिस्ट के FF यानी कि फैन फिक्शन को ऑफिशियली रिलीज किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, आर्मी को कभी भी ये पता नहीं चलता है कि BTS मेंबर फैन फिक्शन को देखते हैं या नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, रिसेंटली ही काफी सारे आर्मीज को ये पता चला है कि BTS मेंबर वी यानी कि किम तायंग अपने फैन फिक्शन को पढ़ते हैं, और इस बात को खुद BTS भी ने अपने इंस्टाग्राम के थ्रू अपने आर्मीज को बताया है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली रिसेंटली ही काफी सारी आर्मीज के बीच एक स्क्रीनशॉट बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पर देखा जा सकता है कि किस तरह वी ने आस्क मी एनीथिंग में एक आर्मी ने वी से पूछा कि क्या आप अपने फैन फिक्शन को पढ़ते हैं, तो वी ने वॉटपैड के आइकन के साथ रिप्लाई देते हुए यस कहा। हालांकि फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर बता दूं कि इस स्क्रीनशॉट में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स ये स्क्रीनशॉट BTS भी का नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि रिसेंटली ही वी ने कोई भी आस्क मी एनीथिंग जैसी किसी भी चीज को अपनी स्टोरी पर शेयर नहीं किया था। फ्रेंड्स, एक्चुअली ये ओरिजिनल स्क्रीनशॉट बिली इलिस का है, जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही अपने इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग का स्टिकर पोस्ट किया था, और उनके फैंस ने उनसे पूछा था कि क्या आप अपने फैन फिक्शन को रीड करती हैं या नहीं, जिसका रिप्लाई देते हुए उन्होंने यस कहा था। लेकिन फैंस, कुछ आर्मीज ने इसे एडिट करके यहाँ पर BTS वी के नेम के आइकन के साथ स्क्रीनशॉट को वायरल करने लगी। हालांकि फ्रेंड्स, इन सब को देखने के बाद कुछ आर्मीज ने ये सोचा कि क्या BTS मेंबर अपने फैन फिक्शन को पढ़ते होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, वैसे तो आर्मीज चाहती नहीं है कि BTS उनके फैन फिक्शन को पढ़े, क्योंकि बहुत ही सारे अजीब अजीब से फैन फिक्शन और काफी सारे रूमर्स वाले फैन फिक्शन को BTS मेंबर के नेम के साथ क्रिएट किया जाता है, जो कि पढ़ने में बहुत ही ज्यादा वियर्ड भी होता है और बुरा भी लगता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये बात तो बिल्कुल सच है कि फैन फिक्शन मिलता तो इंटरनेट पर ही है, और उसका एड्रेस हर कोई जानता है, और बहुत बार ऐसे फैन फिक्शन ट्विटर और यूट्यूब पर ट्रेंड करते हुए भी देखे जाते हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि हर BTS आर्मी ये जानता ही है कि वॉटपैड पर BTS को लेकर या फिर किसी भी आइडल को लेकर कैसे कैसे अजीब सी स्टोरी देखने को मिलती है। और फ्रेंड्स, ऐसे ही BTS मेंबर्स भी इन सब चीजों से अनजान नहीं होंगे कि उनके आर्मीज उनके लिए कैसी कैसी फैन फिक्शन बनाती है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले भी काफी सारे स्टैन ने ये कोशिश करी है कि वो इस बात को प्रूफ कर पाए कि BTS के मेंबर अपने फैन फिक्शन को पढ़ते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स देखा गया है कि एक बार वी लाइव के दौरान जब वी ने अपने फोन को स्क्रीन पर दिखाया था, तब उस टाइम वो अपने आर्मीज को कोई मैसेज रीड कराना चाहते थे। लेकिन उस टाइम काफी सारी आर्मीज ने ये नोटिस किया कि उनके नोटिफिकेशन में वॉटपैड का आइकन बना हुआ है। हालांकि फ्रेंड्स, ये हर कोई जानता है कि वॉटपैड का आइकन या फिर किसी भी ऐप का आइकन आपके मोबाइल पर तभी बनता है जब वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में अवेलेबल हो। इसीलिए काफी सारी आर्मीज BTS के मोबाइल में वॉटपैड के नोटिफिकेशन को देखकर कंफ्यूज हो गई कि BTS भी कहीं अपने फैन फिक्शन को देखते तो नहीं है। हालांकि फ्रेंड्स, बाद में आर्मीज के बीच ये क्लियर हुआ कि एक्चुअली वो पोस्ट भी एडिट की गई थी और उनके स्क्रीन पर कोई भी वॉटपैड का नोटिफिकेशन नहीं था। इन सब चीजों को देखने के बाद ये पता चलता है कि काफी सारी आर्मीज प्रूफ करना चाहती है कि BTS मेंबर अपनी आर्मीज के हर चीजों को देखती है। लेकिन फ्रेंड्स, हाइव कंपनी को और BTS मेंबर को सब कुछ अच्छे से पता है कि किस तरह के फैन फिक्शन उनको लेकर ट्विटर पर और यूट्यूब पर ट्रेंड किए जाते हैं, लेकिन वो अपने आर्मीज से इन सब चीजों के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो अपने आर्मीज को प्राइवेट स्पेस देना चाहती है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि क्या BTS मेंबर अपने फैन फिक्शन को देखते होंगे या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा BTS के आगे लेटेस्ट न्यूज को जानने के लिए। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।